केंद्र सरकार ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने एमएसपी में आम और झोने की ग्रेड ए की कीमतों में 143 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए केसर की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है, जिसके तहत सामान्य और ग्रेड ए चावल के दामों में 143 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई, जबकि मूंग की फसलों पर 803 रुपए के दामों का इजाफा किया गया है। अरहर के भाव में भी 400 रुपए की वृद्धि की गई है और 350 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। मूंगफली के भाव में 527 रुपए प्रति क्विंटल और मक्के के भाव में 128 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में केसर की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। 2022-23 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे अब बढ़ाकर 2183 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। केंद्र ने ग्रेड ए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2203 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। पिछले साल मक्के का भाव 1962 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे बढ़ाकर 2090 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वर्ष 2022-23 में मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,775 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे बढ़ाकर 8,558 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पिछले साल अरहर की दाल की कीमत 6,600 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। उड़द का भाव 6,600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6,950 रुपए प्रति क्विंटल और मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,850 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6,377 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। एमएसपी में बढ़ोतरी किसानों के लिए एक बड़ी सौगात कही जा सकती है। अब ये देखना होगा एमएसपी की ये दरें कब से लागू होंगी।